हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के 6 पूर्व विधायक और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि वे बीजेपी की टिकट पर ही यहां से उपचुनाव लड़ सकते हैं। ज्ञात रहे कांग्रेस के 6 बागी विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, देवेंद्र कुमार भुट्टो को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपस्थित रहने तथा कटौती प्रस्ताव व बजट के दौरान राज्य सरकार के पक्ष में मतदान करने के पार्टी के एक व्हिप की अवज्ञा करने के लिए 29 फरवरी को अयोग्य करार कर दिया गया था। निर्वाचन आयोग ने इनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। 3 निर्दलीय विधायकों आशीष शर्मा, हुशियार सिंह और केएल ठाकुर ने भी शुक्रवार को अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। उनके निर्वाचन क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने की संभावना है। बहरहाल हिमाचल की सुक्खू सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आता है, लेकिन भाजपा उपचुनाव में जीत के साथ उनकी सरकार को गिराने की फिराक में है। उपचुनाव में भाजपा की जीत से सत्तारूढ़ पार्टी के खेमे में विधायकों की संख्या में कमी आ सकती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।